कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इसमें सभी नेताओं ने अलग अलग राय देते हुए अपनी बात रखी। इस बैठक में विशेष रूप से पार्टी सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। इससे पहले देर रात पार्टी के महासचिवों की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई। इस बैठक में यह तय किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू करने से पहले 1 सितंबर से देश भर में पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। भाजपा में सदस्यता अभियान के बाद ही संगठन के चुनाव कराए जाते हैं। पार्टी के संविधान के अनुसार सदस्यता अभियान के बाद मंडल, जिला और राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसके साथ ही नड्डा के आवास पर देर रात हुई बैठक में आने वाले दिनों में दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के एजेंडे पर भी मोहर लगाई गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के साथ साथ संगठन के चुनावों पर भी चर्चा के साथ अन्य मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई गई। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और राष्ट्रीय संयुक्त संगठन महासचिव शिव प्रकाश के अलावा राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, राधा मोहन दास अग्रवाल, विनोद तावड़े, तरुण चुग, अरुण सिंह और दुष्यंत गौतम शामिल हुए।